पूरा मौसम खराब हो चुका है, दोबारा ऐसे में रेन होने लगी। मैं अपना ये वाला कैमरा निकाल के रखता हूँ अंदर, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, मेरा कैमरा खराब हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, इट्स 1:18 इन द आफ्टरनून। दो दिन पहले मैं जो बाइक धुलवा के आया था उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि बाइक पूरी फिर से गंदी हो गई है, हर जगह मिट्टी, ये देखो यहाँ पर भी। और आज के दिन हम निकल रहे हैं वापस लखनऊ की तरफ, तो अभी मैं अपनी बाइक पूरी साफ वाफ करता हूँ कपड़े से, और उसके बाद सैडल बैग इसमें इंस्टॉल करता हूँ। Alright guys, it's 5:13 in the morning और अभी हम लोग अब निकल रहे हैं अपने अपने घर की तरफ। मैंने अभी ग्लव्स अभी नहीं पहने हैं, मैंने अभी मैप भी नहीं लगाया, लेकिन फोन को बस चार्ज पे भी छोड़ दिया है। सैडल बैग भी इस बार एकदम अच्छे से लगा हुआ है, इस समय कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसमें। सो या अब चलते हैं अपने घर की तरफ कई दिनों बाद। ये सीधे से बता रहा है, मतलब ये कह रहे हैं बनारस से बाईपास लेके जाएगा। अभी हम लोग अब चलने के लिए अब तैयार हैं एकदम, और निकलते हैं। बाय बाय मुगल सराय। एक बार जो है मैं जरा हवा एक बार चेक करवा ले रहा हूँ अपनी गाड़ी की, हवा भर आ जाएगी, हवा एक बार देख लेते। कितना हुआ? 10 हुआ, 5 हुआ। या हमें ना जरा सी जगह दे दो, हमारा दो पहिया है सट से निकल जाएगा। एक दो लोगों के पास से चलाने का रिस्क कितना होता है। लोग कब क्या ठेल दे इनका कोई भरोसा नहीं होता। ऑलराइट गाइस, इस समय ये बनारस में कोई तो टोल नाका है यहाँ पर, अरे भयंकर। नहीं नहीं नहीं, अपने लिए जाके खाली है इधर से, हम बिना टोल दिए जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी भयंकर भीड़ लगती है यार यहाँ पर जाते वक्त। आते वक्त उतनी भीड़ नहीं थी, जाते वक्त ज़्यादा भीड़ है। या तो ये भी हो सकता है कि सवेरे का समय है ना। नहीं नहीं, आते वक्त भीड़ नहीं है, उस रोड पर भीड़ नहीं है, भीड़ बस इसी तरफ है। अरे गजब, यहाँ से कोई रास्ता है क्या? कौन से रास्ते से चल रहे हैं हम? बाइक वाले वो तो निकल जाने दो कहीं से। तो गाइज, आई एम फॉलोइंग दीज गाइज, मतलब मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन इनके पीछे आते आते इन लोगों ने ट्रैफिक से क्रॉस करवा दिया मुझे। ऑलराइट गाइस, तो इस समय क्या है ना, अभी हम लोगों ने अभी 50 किलोमीटर मतलब लगभग 50 किलोमीटर से हम लोग ने तय कर लिया होगा। नई प्रॉब्लम हमारे सामने इजाद हुई है कि ये जो है ये बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। टेढ़ा होने का इसका कारण ये है कि ये जो चीज़ है ये टूट गई है, ये देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप लोगों को देख पा रहे होगे, ये क्रैक कर गई है। अब अगर मेरा फ़ोन अगर हाई स्पीड पे गिरा, देखो एक्चुअली गिरेगा नहीं, तार से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर गिरता है उसके लिए मैं एक इंतज़ाम एक लेके आया हूँ। अब क्या करूँगा, मैं टेप से इसको बांध दे रहा हूँ, है ना, इससे क्या होगा वो गिरेगा नहीं हाई स्पीड पे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग अब रेडी हैं चलने के लिए। अराइवल टाइम हम लोगों का ये दिखा रहा है 11:42, मतलब 11:42 तक हम लोग अपने घर पहुंचेंगे, मतलब 5 घंटा यहाँ से लगेगा हमको। अभी अभी अब इस राइड की बात अब सही है कि हम लोग इस समय जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, और जो सन होता है वो ईस्ट से उगता है, तो सूरज इस समय इसी तरफ रहेगा, मतलब मेरे को दिक्कत नहीं करेगा जैसे पिछली बार जैसे कर रहा था दिक्कत। मैंने नया जुगाड़ कर दिया, इसको मैंने इस टेप से लगा दिया है, टेप या इलास्टिक बैंड है, एक्चुअली मैंने रख लिया था पता नहीं क्यों। और चलो अभी चलते हैं, और तो मैं इसमें उल्टा क्यों जा रहा हूँ, मैं इस ढाबे के चक्कर में जा रहा हूँ। आई होप कि यहाँ पर कुछ चाय वाय का इंतज़ाम कुछ हो जाए। भैया चाय मिल जाएगी? चाय, एक चाय करवा दीजिए।
ऑल राइट गाइस, इस समय 8 बज रहा है लगभग क्या पूरा ही 8 बज रहा है और हम लोग इस समय इलाहाबाद के हल्का सा पीछे हैं। अभी थोड़ा सा ही भी और अभी आगे जाएंगे तो इलाहाबाद आ जाएगा सीधे। इस वाले हाईवे को कहते हैं इलाहाबाद बाईपास रोड। ये एक्चुअली इलाहाबाद सिटी के जस्ट पहले है। बहुत अच्छा हाईवे है और ये पूरे इलाहाबाद सिटी को पूरा बाईपास निकाल देगा। और इस समय 8 बज रहे थे, मैं कुछ सवेरे खा पी के निकला नहीं था इसलिए अभी चाय पी ले। हम एक नहीं दो चाय पी रहे हैं, दोनों हम ही पी रहे हैं, अकेले पी रहे हैं और कुछ नहीं, बस सामान इधर रखा हुआ है। इस समय लगभग हम लोग 142 किलोमीटर हम लोग किस समय कंप्लीट कर चुके हैं और हैं इस समय प्रयागराज में। अभी इतना किलोमीटर 212 किलोमीटर अभी और करना है जिसके लगेंगे 3 घंटे, मतलब वही 4 घंटे मान लो, 4 घंटा यानी कि हम लोग 12:20 तक। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर कुछ छूटा तो है नहीं, चलो गाइस। तो ये हम लोग फिर से किसी, तो अरे गाड़ी की जगह बाइक की किधर जगह है, इधर से नहीं है क्या, क्या है निकल रहा है से? पीछे से जगह है। अबे ये लोग ट्रक ये लोग खड़ा किए हुए हैं, कहाँ से देखेगी जगह, यहाँ से जगह है, इधर ही कहीं से। उसके भी बाजू से निकल जाता वो कुछ भी नहीं कर पाता। हम यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए खुद को स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, मतलब हल्का सा और आगे करके दे दिया जाए स्टैंडिंग ओवेशन। सैल्यूट टू माय बाइक 10 सैल्यूट हो गया। ये क्या है, ये जिंदा है, मर गई देखो। ऑलराइट गाइस, स्टैंडिंग ओवेशन ख़त्म और चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। चलो जब तक स्टैंडिंग ओवेशन जब तक दे रहे थे खुद को तब तक सीट एकदम गर्म, एकदम मस्त पूरी गर्म हो गई। इस समय हमारा अराइवल टाइम है 12:16, हाँ क्योंकि उस समय आधे घंटे का ब्रेक भी हो गया था ना। और राइट गाइज, अभी आप लोग ये देखो और रुको और ये देखो, अच्छा खासा पानी पड़ा। मैं जय रास्ते में चल ही रहा था, एक अचानक से एक झोंका आया, भभकता हुआ धाएं से आगे लगा और पूरा छितर बितर हो गया। तभी एक्शन कैमरा हटाना पड़ा था, सब कुछ हटाना पड़ा था, मेरे जूते में पानी घुस चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन बस एक ही है कि अब मैं, मतलब अभी देखो अभी मेरी लोकेशन अभी कहाँ पर है, मैं ऐसे मैं रायबरेली में हूँ और रायबरेली के बाद सीधे वही लखनऊ आ जाएगा। तो देखता हूँ अगर कुछ अगर शूट करने को मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो अगर बाद में भी अगर बारिश आ जाएगी मैं कैमरा उठा के रख दूँगा, फिर आप लोगों को सीधे घर पर मिलते हैं या बस। चलो अब मैं निकलता हूँ और देख लो भैया हम क्या करें। अच्छा तो गाइस, इस समय ना पूरा मौसम खराब हो चुका है, दोबारा ऐसे में रेन होने लगी। मैं अपना ये वाला कैमरा निकाल के रखता हूँ अंदर, ठीक है, और नहीं तो मैं मुझे दिक्कत हो जाएगी, मेरा कैमरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो अब आप लोग से मिलते हैं सीधे घर पे। अब मैं ना कुछ रिकॉर्ड करूँगा ना कुछ करूँगा अभी, क्योंकि मैं अभी कुछ भी करने के हालत में नहीं हूँ। चलो गाइस बस अब मिलते हैं घर पे आप लोगों को। ऑल राइट गाइस, तो अभी जो ऊपर जो आप पुल देख रहे हो ये है शहीद पथ और हम अपने लखनऊ अपने शहर की तरफ आ चुके हैं।
क्या हम जाएंगे सीधे घर और क्या। अब इस वाली राइड में मैंने इतना झेला है ना, मतलब इतना मैंने कभी अपने जिंदगी में नहीं झेला इस वाली राइड में। मेरे एक्शन कैमरा के माइक पोर्ट में पानी गया, मेरे एक्शन कैमरा के अंदर एक्चुअली पानी चला गया था, मेरे सैडल बैग में पानी चला गया था, मेरे जूते तक में पानी चला गया था, पूरा भीग गया था, कपड़ा मेरे पूरे खराब हो गए थे, फोन अंदर से खोल गया था। मैंने कसम खा ली थी कि अब मेरी गाड़ी अब सीधे अब जाके रुकेगी तो लखनऊ में ही जाके रुकेगी, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है, मैं रुकूंगा नहीं। अब मतलब उसके बाद जो मैंने एक्सीलरेटर खींचा है, कोई ब्रेक लिया ना कुछ लिया, मतलब पानी पड़ रहा है, पड़ने दो, कुछ भी हो रहा है होने, सीधी लखनऊ में ही रुकेगी, उससे पहले मैं कहीं नहीं रुकने वाला। एंड थैंक गॉड कि मेरे किसी भी सामान को कुछ नहीं हुआ, मेरा ये वाला DSLR एकदम सही है, मेरा एक्शन कैमरा एकदम सही है। तो चलो गाइस अब इस वाले वीडियो को अब यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो इस पर जाके लिख देना। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। चलो बाय बाय।